बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद आमद है और मुल्तान के बाजार हैं वहाँ पर गहमा गहमी बढ़ चुकी है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए मुल्तान के बाज़ारों का रुख कर रही है। इस वक्त हम मुल्तान के चौक बाज़ार में मौजूद है जहाँ पर जो बाज़ार है मुकम्मल तौर पर भरा हुआ दिखाई देता है। शहरी जो है ईद की शॉपिंग के हवाले से बड़े पुरजोश हैं, इनसे हम जानते हैं। जी आप बताइए, ईद के शॉपिंग के लिए आए हुए बच्चों के साथ रेट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं, खरीदारी की है या नहीं? महंगाई है भाई, इधर तो बहुत ज्यादा महंगाई है, गरीब बंदा तो कुछ कर भी नहीं सकता ना। लेकिन इतने बच्चे हैं छोटे, तो चीज़ें मांगते हैं, इनको तो देनी ही है माँ बाप ने, पर बड़ी मुश्किल से बंदा बच्चों की ना चीज़ें पूरी कर, इतनी लोगों ने महंगाई की हुई है। अच्छा जी, आप बताएं, जो आपने बजट रखा था बच्चों को फैमिली को शॉपिंग कराने के हवाले से, तो क्या कह रहे हैं जी, बजट से तो मामला बाहर हो गए हैं? बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा, ये नू लीगल आ गया ना, बहुत ज़्यादा, इमरान खान सही है जी। तो शॉपिंग कर ली है जी? आधी रहती है अभी। बच्चे खुश हैं? फिलहाल तो आपने अपनी शॉपिंग की है? नहीं नहीं अभी नहीं की है। तो कर पाएंगे इतने पैसे बच्चे? मुश्किल है, मुश्किल है। देखिए जी, ये महंगाई की सूरत हाल है, बच्चों को शॉपिंग करवाई जा रही है और जो वालदैन है वो कह रहे हैं कि अभी तक अपनी शॉपिंग करने का नहीं सोचा, जो बजट रखा था शॉपिंग के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ईद की आमद आमद है, शहरियों की बड़ी तादाद मुल्तान के बाज़ारों का रुख तो कर रही है, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है उसके बाद जो है शहरी जो है वो शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने में नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि फिर भी त्यौहार है, उसके लिए कोशिश होगी कि जो हो सके बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी, अपने लिए ख़रीदारी करें।